इसलिए मैं कहता हूं कि अगर शिक्षा जो है पढ़ना लिखना और बोलना नहीं सिखाती आदमी को, ऐसी शिक्षा का कोई सरोकार नहीं। अब आप ये कहेंगे कि जी मतलब आप भी एक बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि कॉलेज में के लेवल पे आप ये बात कर रहे हैं कि पढ़ना लिखना और बोलना, यस हम में से बहुत सौ को ठीक से पढ़ना नहीं आता, पढ़ने की आदत नहीं है। आपने आपसे ईमानदारी से पूछना कि कितने दिन हो गए हैं कोई किताब को पढ़े हुए, किताब के ठीक से पन्ने खोले हुए या लाइब्रेरी में ठीक से सीरियसली बैठ के पढ़े हुए चीज़ों को। और कम से कम मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हम जब एग्जाम आते हैं कि फिर बिल्कुल उस पर जो है गोडे डाल देते हैं पास होने के लिए, नंबर लेने के लिए हम नंबर भी लेते हैं, खूब अच्छे लेते हैं 70-80, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे आप। कितने बच्चे हैं जो अपनी सिलेबस की किताबों से अलग दूसरी किताबें जो है पिछले एक महीने में जिन्होंने पढ़ी हो, एक्स्ट्रा रीडिंग जिन्होंने की हो, कोई हाथ खड़े करेगा? एक दर्जन पर भी बच्चों ने हाथ खड़े नहीं किए। जब तक एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट नहीं होगी, हम कहते हैं कि एजुकेशन क्यों लेते हैं, ज्ञान के लिए। तो ज्ञान आपका सिर्फ आपके सब्जेक्ट पे ही सीमित रहेगा क्या? नहीं, हम एजुकेशन के माध्यम से तीन तरह की स्किल एक्वायर करते हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल। हार्ड स्किल हम क्लास में जो अपना डिसिप्लिन है उसके बारे में जो स्किल जो नॉलेज अक्वायर होती है वो हार्ड स्किल, वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है, वो थ्योरेटिकल भी हो सकती है। 5-4 मिनट और लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने कॉलेज में आया हूं और अपने युवा साथियों से बात करने के लिए आया हूं। 40 साल में मुझे मौका मिला है, आगे पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 5-4 मिनट तो और आपसे बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि आपको उससे कितना फायदा होगा, वो आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। तीन तरह के स्किल हैं हार्ड स्किल, जो अपने डिसिप्लिन अपने नॉलेज को लेके, और एक सॉफ्ट स्किल्स है जिसमें हम मैनरिज्म कम्युनिकेशन स्किल और इस तरह की बातें करते हैं। मेरा एमबीए में इस बात पे फोकस रहा है और मैं यहाँ क्योंकि मैं अपने कॉलेज में आया हूँ, अपने आसपास के लोगों के बीच में आया हूँ। हम कई बार बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन उस नॉलेज भी एक बार अंदर नॉलेज भी होती है, ज्ञान भी होता है, लेकिन उस ज्ञान को एक्सप्रेस करने के लिए या तो राइटिंग में करेंगे या स्पोकन उसे माध्यम से करेंगे। और बहुत बच्चे जो है JRF भी क्लियर करते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं, इंटरव्यू आते हैं या प्लेसमेंट के लिए कहीं जाते हैं, तो ठीक से अपना ज्ञान जो है वो उसको बता भी नहीं पाते जो वो जानते हैं। ऐसा क्यों है? उनको मौका नहीं मिला, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिले। तो इसलिए एक तो टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पास को सारे हो जाएंगे, बोले इसकी चिंता ना करें, सिलेबस मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस ना करवाएं, लेकिन उससे अलग जो है इनको मौके दें। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई ऐसा मौका, मौके को ग्रैब करें, कहीं बोलने की बात आए, कहीं लिखने की बात आए, किसी चीज में पार्टिसिपेट करने की बात आए, कहीं विजिट करने की बात आए, जितनी चीजें हम क्लासरूम से बाहर, बियॉन्ड क्लासरूम, देयर इज अ कंसेप्ट बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग, बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग का कोई मुकाबला ही नहीं होता। और मैं जो ये चीजें जो है ये बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग की चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं 4 साल से MDU में, 7 जनवरी 2019 को मुझे, तब मैं सुकवा का वाइस चांसलर था, तो मुझे मौका मिला। MDU थोड़ी टफ टेरेन है, MDU को रन करना। हरियाणा में सभी यूनिवर्सिटीज में अगर कोई थोड़ा डिफिकल्ट काम माना जाता है यूनिवर्सिटी जो, वो MDU मानी जाती है, सारे जानते हैं हम सब जो है।
बट बिलीव मी कि 2007 जनवरी 2019 को 4 साल होने को जा रहे हैं मुझे वहां। पहले मुझे 1 साल एडिशनल चार्ज मिला और 2020 से अब तक जो है मेरे पास जो है उसका नियमित कुलपति के तौर पर मैं मुझे काम करने का मौका मिला है। और इस दौरान जो है पूरे 4 साल में एक भी क्लास जो है कोई स्ट्राइक और किसी वजह से डिसरप्टिव, एक सिंगल क्लास में। और 4 साल में मैंने किसी एक आदमी की भी एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं की है, स्टाफ की किसी आदमी की, ना टीचर की और ना किसी स्टाफ के आदमी की। एक्सप्लेनेशन की तो दूसरी बात है, मैंने किसी से ऊंची आवाज में या गुस्सा होने की भी मतलब जो है नौबत मुझे 4 साल में नहीं आई है। लोग कहते हैं कि एमबीयू का माहौल बदला है, सर्टनली उसके बहुत से फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो मैंने बताया था कि लड़कियों की बढ़ती संख्या अपने आप माहौल को सुधार रही है, इस कॉलेज का भी और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। लेकिन एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट भी आपको क्रिएट करना होता है। और मैं एक समझता हूँ कि किसी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के हेड को सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि वो ऐसा माहौल बनाए जिसमें सभी लोग अच्छे से काम कर पाए, पढ़ाने वाला पढ़ा पाए अच्छे से, काम करने वाला काम कर पाए, पढ़ने वाला ठीक से पढ़ पाए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आई ट्राइड माई बेस्ट कि भाई इस तरह का जो है माहौल दिया जाए। ये हेल्पिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड, पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी ब्रीड पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव होंगे, एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आज से ही करना शुरू कर दें आप देखेंगे कि कितना सुकून से आप, कितने अच्छे से आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। और अच्छा काम, बड़ा काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे अंदर से। और एक हेल्पिंग एटीट्यूड रखें घर में भी। बहुत बार हम जो है वैसे इरिटेट हुए रहते हैं, माँ बाप कोई काम कहे तो मतलब जो है उसको बजाय इरिटेट होने के अगर कर सकते हैं तो उसको कर दें, तो मतलब माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई बहन अगर कोई काम, अगर कोई मतलब हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प करेंगे तो देखना आपको कितना मजा आना शुरू हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स के बारे में, ऐसे टीचर्स के बारे में एक अलग से पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव एनवायरमेंट। आप सोच रहे होंगे कि भाई मतलब मैं कोई संतों की तरह प्रवचन देने के लिए आया हूँ, लेकिन ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। हम इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। मेरे इस पॉजिटिव साइकोलॉजी के आदमी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनकी पढ़ता रहता हूँ, इस तरह की बातें शायद यहाँ से भी मैंने ली। थोड़ा और यंग साथियों को एक दो और वैसे नसीहत बिना मांगे हुए दी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वही कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्रीन टाइम को बंद कर दें, लेकिन उसको रेगुलेट करें थोड़ा। स्क्रीन टाइम मीन्स मोबाइल पे जो है उसको थोड़ा रेगुलेट करें। कुछ आवर्स हों जिसमें आप, आज के दिन मैं ये उम्मीद करूँ कि भाई आप मोबाइल छोड़ देंगे, वैसे छोड़ देंगे तो सुखी रहेंगे। कुछ साल पहले नहीं होता था तो बड़े सुखी थे लोग, समस्याएं इसे बड़ी हैं, लेकिन वैसे बहुत काम की चीज भी है अगर इमरजेंसी में यूज किया जाए। और हमेशा यूज किया जाए तो मतलब जो है डाइवर्शन ही मतलब सारा कुछ, सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा स्क्रीन टाइम को रेगुलेट करें। मेरी एडवाइस ये है कि रात को 9 बजे के बाद जो है इसको बंद करके रख दें, और या कहीं बाहर रख दें सोने। कई तो मतलब जो है अपने पिल्लो के नीचे इसको रख के सोते हैं, एजुकेशनल टूर जाता है। आज का जो कार्यक्रम है, मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में आज इसमें शामिल हुए हैं आप। ग्रुप लर्निंग जो है सबसे बेस्ट लर्निंग होती है, टीम लर्निंग सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। बहुत चीजें सीखता है, एक दूसरे के व्यवहार से सीखता है। यहाँ बैठे हुए हर आदमी का अलग अलग व्यवहार है। कई बार दूसरा ठीक व्यवहार नहीं करता तो दूसरा उस व्यवहार से भी सीखता है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, और वो ठीक ना करने वाला दूसरे के व्यवहार से सीखता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस में जो है ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को इस तरह के मौके दें, इतने प्लेटफॉर्म दें, और आप इस बात की कोशिश करें
कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उसके लिए मौकों की तलाश होंगे। आई वॉज नॉट सो फॉर्चुनेट एज यू आर। आज बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, आज आपके लिए एक्सपोजर के लिए बहुत मौका है, दुनिया खुल रही है आपके लिए, और इस समय का, इस टेक्नोलॉजी का और इस वातावरण का सदुपयोग करें, उसका फायदा उठाएं, और इस नॉलेज जो आप एक्वायर आपने की है करेंगे इसकी एप्लीकेशन, यू ओ टू दिस सोसाइटी एंड बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, टू योर नियर एंड डियर्स, टू योर टीचर्स एंड ऑल दोज हु हैज हेल्प यू टू रीचिंग टू दिस डेज। उन लोगों का सोचो जो स्कूल में नहीं पढ़ पाते, जो कॉलेज में नहीं आ पाते, जो यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाते, आप साफ सुथरे कपड़ों के साथ, माँ बाप हर तरह की कटौती करके आप लोगों के लिए जो है, और बड़ी उम्मीदें आप पे रखते हैं, आप भी उम्मीदें रखते हैं अपने से। सो बी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु हैज हेल्प यू एंड हु इज हेल्पिंग यू टू परस्यू योर गोल। अनग्रेटफुल ना हो। With these words, I again thank Professor Sheela Dahiya, the entire faculty of this great college, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। And above all, you all students, I am really grateful to you for such a patience hearing. आज के दिन युवा के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, लेकिन ये जीन के इस कॉलेज के ही युवा छात्र छात्राओं की ये धरोहर है कि आपने लगभग मुझे 50-55 मिनट जो है सुना, और बड़ी पेशेंस के साथ सुना। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू।